में आपके साथ हूँ मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजेक्शन में आई तेजी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसका विस्तार करने का फैसला लिया है। RBI ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा को बढ़ाते हुए 1 दिसंबर 2020 से 24 घंटे यानी कि टाइमिंग 24/7 कर दिया है। यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल ने स्वीकृति प्राप्त होने के बाद बरेली में इसके तहत पहला केस दर्ज किया है। बरेली में लव जिहाद के आरोप में नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज कर दी गई है। पुलिस की माने तो लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के विभूति खंड थाना पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। शेयर मार्केटिंग के माध्यम से निवेशक गणों को ज्यादा मुनाफा का लालच देकर करोड़ों रुपए की जालसाजी कर चुके हैं। पुलिस उपायुक्त चारू निगम ने बताया है कि विभूति खंड प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला ने वंचित अभियुक्त गोरखपुर निवासी संदीप मौर्य और लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी अविरल वर्मा को दबोचा है। बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। दोनों की शादी को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं। कुछ दिनों पहले ही चर्चा थी कि आलिया और रणबीर इस साल के आखिर तक शादी कर लेंगे। हालांकि ये शादी कब होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसी बीच खबरें आ रही है कि रणबीर और आलिया की बिल्डिंग में ही अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीदा है। बिहार में लव जिहाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। BJP के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में नीतीश कुमार सरकार से अनुरोध किया है कि वह लव जिहाद पर कानून बनाए। उनके इस बयान के बाद सहयोगी JDU भी असमंजस में नजर आ रही है। हालांकि पार्टी की ओर से ये जरूर कहा गया है कि अगर कोई इस तरह के बयान देता है तो इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। रूसी मीडिया प्रॉक के रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक महिला सफाई कर्मचारी से संबंध थे। अब ये महिला 700 करोड़ रुपए से अधिक की मालकिन बता चुकी हैं। हालांकि स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है। पुतिन के प्रवक्ता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब रात में 10,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट निकालने के लिए वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह नियम 1 जनवरी 2020 से ही लागू कर दिया था। पंजाब नेशनल बैंक ATM से कैश विड्रॉल सिस्टम को और भी सुरक्षित बनाने के मकसद से OTP की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।